नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल एलईडी बॉल रिपेयर के लिए बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी आसान है, ठीक है। ये मेरा गारंटी है कि आज ये टोटल वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है, तो आपके लिए भी एलईडी बॉल बनाना यूँ काफ़ी आसान हो जाएगा। यूँ समझो कि बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, गारंटी। दोस्तों आज मेरे पास कुछ एलईडी बॉल रिपेयर के लिए आया हुआ है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये सब एलईडी बॉल रिपेयर के लिए आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे किसमें क्या क्या बीमारी है, ठीक है दोस्तों। तो सबको चेक कर लेते हैं किसमें क्या बीमारी है, नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो में आपको एलईडी बॉल के बारे में डीपली नॉलेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये नहीं जल रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए क्या है दोस्तों, ये ब्लिंक कर रहा है लाइट, देख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें क्या दिक्कत है, इसमें वो कंडीशन है दोस्तों, देखिए ब्लिंक कर रहा है लाइट, देखिए दोस्तों। इसमें क्या, ये नहीं जल रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस सबको जो है खोल के देखें कि इसमें क्या दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है इसको खोलना पड़ेगा पहले, ठीक है। और इसमें ग्लू रहता है, नहीं तो किसी किसी में जो है ऐसे लॉक सिस्टम रहता है, तो इसको दाबेंगे तो खुद ओपन हो जाएगा, ठीक, कस के दाबेंगे। और नहीं ओपन होगा कोई, तो क्या करना है, जो कोई मोटा सा जो है ना, मैं बता रहा हूँ, तो देखिए अगर नहीं खुल रहा है तो इसको यहाँ पे हल्का हल्का ठोकेंगे, ठीक है, ठीक। तो खुद देखिए ये जो है ओपन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सबको ओपन में कर लेता हूँ, ठीक। कोई टाइट रहता है दोस्तों तो थोड़ा सा जो है ग्लू के कारण जो है कोई जो है लठा रहता है तो वो सड़ जाता है, तो जल्दी खुलता नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं किसमें क्या दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, इस समय होता क्या है कि ये एलईडी बॉल में, जो भी एलईडी बॉल है दोस्तों, उसमें लगभग 75% जो है दोस्तों इसका एलईडी ही ख़राब होता है। क्योंकि एलईडी का जो है मतलब वैलिडिटी होता है 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, ठीक है। उसके बाद खुद जो है एलईडी में क्या होता है, ये अंदर से जो है लाइट कम देने लगेगा, यानी तो अंदर से फ्यूज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसमें जो खुद जो है आपको देखने के बाद जो समझ में आ जाएगा कि एलईडी जो है ख़राब हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अब देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, आपको देखिए दोस्तों, ये जो है आपको, ये देखिए, ये खुद लग रहा है कि ख़राब है ना दोस्तों, ये देखिए कैसा दाग दाग आ गया, रेड रेड दाग आ गया। तो दोस्तों ये ख़राब होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे चेक करते हैं कि किस में क्या क्या दिक्कत है, नहीं है। और देखिए दोस्तों, एक ये मैं एक तरह से देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ब्लिंकिंग कर रहा है लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों। दिखाई तो दे रहा होगा, शायद नहीं दिखा दे रहा तो आप देख लीजिए, ठीक है। मैं लाइट ऑफ करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा अच्छा से, ठीक है दोस्तों। आपको तो दिख गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसमें होगा क्या कि मेरे ख्याल से कोई एलईडी जो है फ्यूज होगा लगभग, ठीक है दोस्तों। तो देखिए करना क्या है, हर एक एलईडी को शॉर्ट करके देखना है, ठीक है दोस्तों। जिसमें अच्छा जल जाए वो देखिए दोस्तों, मतलब इसका मतलब ये है कि ये एलईडी इसका ख़राब होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये पूरा जल गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, देखिए लाइट आपको जला कर दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो इसको जो है शॉर्ट भी कर देंगे तो वो जलेगा, और इसमें जो है एलईडी रिप्लेस भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम रिप्लेस करते हैं एलईडी, और इसको देखते हैं कि कैसा चलता है, नहीं चलता है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें, और भी जितना सारा बॉल है सबको खोल के देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों, मैं फर्स्ट में बताने वाला था मगर भूल गया दोस्तों, ठीक है। जब भी एलईडी बॉल को आप रिपेयर करेंगे, ठीक है, बनाएंगे, तो सीरीज लाइट में ही जो है बनाना चाहिए, ठीक है।
उससे क्या होगा दोस्तों कि जो है कुछ भी शॉर्टिंग वगैरह होगा तो आपका पूरा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है, सामान वगैरह जलेगा नहीं, ठीक है, ठीक रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर सिटी लाइट के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो मेरे इस चैनल में वीडियो भी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों तो देखिए दोस्तों, ये जो LED है दोस्तों, ये सब सीरीज में रहता है, ठीक है। सीरीज पैरेलल के बारे में जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो इसमें भी जो है वीडियो में है सीरीज और पैरेलल क्या होता है दोस्तों, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैं निकाल देता हूँ, तो देखिए सीरीज और पैरेलल क्या होता है दोस्तों, देखिए देखिए जैसे देखिए ये 9 वाट का है, या 7 वाट, देख ली, 2 2 4 2 6 1 2 3 7 8, ठीक है दोस्तों। तो ये 8 LED है, हर LED का जो है ना दोस्तों, हर LED एक एक वाट का होता है, ठीक है। तो ये जो है 8 वाट का हो है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सीरीज क्या होता है, देखिए होता क्या है, देखिए जैसे होता क्या है कि जैसे ये जैसे इसी का जैसे देखते हैं, ये गोल जैसा बना हुआ है, जैसे एक LED जो है, मैं बताता हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हुआ LED का डायग्राम, जैसे आपका ये है ना, ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा कोई बड़ा या कोई छोटा LED बना दिया हूँ मैंने, ठीक है दोस्तों। तो है देखिए देखिए ये जो 2 पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, ये जो ये पॉइंट जो है, ठीक है, एक प्लस एक माइनस का है ना दोस्तों, ठीक है। तो इसमें है देखिए क्या है कि एक देखिए एक पॉइंट ये प्लस, एक पॉइंट ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक, फिर ये प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस टच हुआ, फिर ये माइनस किया, ये इसमें प्लस गया, तो ये जो श्रेणी का बद है दोस्तों, ठीक है, तो ये सीरीज का हुआ दोस्तों। तो यही जो है दोनों मिला के जो है प्लस माइनस आया, तो सोल्डिंग क्या हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखिए बहुत सारा ऐसा इसमें, और जो भी बीमारी आएगा आपको सारा डिटेल बताऊंगा मैं कि किसमें क्या होगा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है, आप तो जान गए हैं कि ये बल्ब ख़राब है, इसको टच करते हैं तो रोशनी सही देता है ये, या कौन सा था, इसको थोड़ा सा राउंड घुमा के रखते हैं दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि आप जो है इसमें जो इसका जो LED आता है इसके साथ, मैंने खोल के रखा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा LED देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये किट से जो कोई ख़राब किट था मेरे पास, तो उससे मैंने खोला है, ठीक है। खोलने का तरीका तो जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, हो सके देखिए खोलना, देखिए कोई भी किट का जैसे LED खोलना है तो क्या करना है, अगर सोल्डिंग आयरन अच्छा है, ज़्यादा हीट होता है, ठीक है, जैसे 60 वाट सब का है, ठीक है, तो उसको जो है आप आराम से ऐसे करके दीपा के रखेंगे, ठीक है, तो इसका जो शोल्डर जो है मतलब पिघल जाएगा खुद चिमटा से जो, फिर अब जैसे इसमें रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, रखा हुआ है, और एक चिमटा से पकड़ के रखिएगा दोस्तों, और एक चिमटा से जो आराम से दीप जाएगा तो आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो है जैसे ये है मोमबत्ती नीचे जला दिए, ठीक है, इसे पकड़ के रखिएगा, और एक मोमबत्ती है इसे जला के रखिएगा, बस आराम से जो है, बस ज़्यादा हीट हो जाएगा तो खुद इसका शोल्डर जो है पिघल जाएगा, बस आराम से जो इजी वे में आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कोई वर्कर है, अगर होटगन होगा, होटगन तो समझते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर ये होटगन होगा, ये जान ही रहे हैं, तो ये होटगन से भी जो है पीछे जो है आप हीट दे के आप आराम से इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये किट नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि ये तो आपको LED बल्ब आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, ये LED बल्ब आराम से मार्केट में मिल जाएगा, और ज़्यादा नहीं, बहुत कम में मिल जाएगा, 1 रुपया पर पीस में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है शायद। तो आप आराम से जो है उसको खोल के ये भी लगा सकते हैं, ये नहीं तो, या ओरिजिनल जो LED अगर है आपके पास तो वो भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि लगाए, देखते हैं कि ऑन ठीक चलता है क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं निकालता हूँ, निकल रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए आप जो है चाहेंगे तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इससे निकाल सकते हैं, तो इसमें तो ग्लू लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे दूसरा नियम ये भी है, अगर निकाल सकते हैं तो निकाल के जो नीचे हीट करके आप दूसरा LED को बैठा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब आप जो है ये तो ख़राब है ही, तो इस पर टच करके रखेंगे, ठीक है दोस्तों,
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो खुद जो है अपने ये जो है निकल जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हीट लगता है तो फिर आसानी से निकलेगा दोस्तों। दोस्तों ये जो है निकल गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है इसका पॉइंट निकल गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये एक एलईडी तो ख़राब है दोस्तों, तो इसमें हम जम्पर भी मार सकते हैं दोस्तों। जम्पर मतलब शॉर्ट कर सकते हैं, कोई भी ऐसे तार है तार को जो है हम शॉर्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो वो जो है आपका जलने लगेगा, दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और नहीं तो एक और भी कर सकते हैं कि ये आप एलईडी जो है बॉल जला लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास ये एलईडी बॉल है दोस्तों, तो ये भी लगा के हम देख लेते हैं जलता है कि नहीं सही से दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो है देखिए दोस्तों ये जो है इसमें भी दोस्तों एलईडी में प्लस माइनस होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो आप अगर गौर से देखेंगे दोस्तों, इसमें जो है प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहता है। देखिए दोस्तों इसमें जो गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो है मतलब प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहता है, मतलब ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक है। मतलब ऐसे करके ऐसे दिया हुआ रहता है प्लस का, ठीक है। और एक सिरा में देखेंगे तो सिर्फ ऐसे ऐसे का जो है रहता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए तो ये एलईडी बल्ब जो है इसके जगह ये लगा के कर दिया सोल्ड मैंने दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ये जलता है क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है दोस्तों, मगर अगर ये देख लेंगे तो दोस्तों कोई भी आप एलईडी बल्ब बना सकते हैं खुद से दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको देख लिया कि जल रहा है, ये जो ब्लिंकिंग जो कर रहा है ना आपके कैमरे में, ये ब्लिंकिंग कर नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे ये ठीक है दोस्तों। और तो ठीक है दोस्तों, ये तो बन गया दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों ये एलईडी बोल रहा दोस्तों, ये तो जल नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ देसी नुस्खा अपनाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करना है देखिए दोस्तों, देखिए इसके अंदर तो कीट रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों लगभग 90 वोल्ट से लेके लगभग 130 वोल्ट तक आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो है दोस्तों 90 से लेके 130 वोल्ट तक आता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एलईडी बल्ब खराब जो है ना है क्या नहीं है, या किट खराब है, ये चेक करना ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे एक और भी है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, में भी जो है लाइन नहीं आ रहा है। हाँ ये हल्का जल रहा है दोस्तों। और ये क्या कौन सा है, ये इसमें भी दोस्तों लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है दोस्तों, हल्का हल्का आ रहा है। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है कि इसमें जो है दोस्तों इसमें करंट मतलब किट अंदर का सही है क्या नहीं, ठीक है, ये चेक करना है दोस्तों। तो देखिए एक मैंने तार ले लिया और दोनों को शॉर्ट करेंगे, अगर स्पार्क मारेगा तो समझ जाएंगे ये करंट बन रहा है, ठीक है किट। देखिए दोस्तों ये आवाज़ भी कितना कस के कर रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो किट है आपका, ठीक है, अंदर का वो पूरा सही है दोस्तों। बीमारी आपका ये जो सीरीज में जो लाइट है, ठीक है, ये इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों, तो ये चिमटा है दोस्तों, तो हम जान ही रहे हैं, ठीक है। चिमटा में दोस्तों देखिए दोस्तों चिमटा में पूरा टेप लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओपन चिमटा से आप कीजिएगा, ऐसा नहीं, यानी तो आप चिमटा नहीं तो तार से भी कर सकते हैं, तार सटा सटा के चेक कर सकते हैं ऐसे। अगर अगर जिसको सटाने से जो पूरा जल गया तो समझ आइए वो ख़राब है, ठीक है दोस्तों। तो हम चिमटा से कर लेते थोड़ा आसान होता है दोस्तों, ठीक है। वैसे तार से भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए वो ठीक है,
देखिए दोस्तों, ये जो है जल गया, इसको सटाते हैं तो जल गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको जो है शॉर्ट कर देंगे, इसका मतलब वो जो एलईडी है दोस्तों ये ख़राब है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, इसमें जो है आप जो है जम्पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एलईडी आराम से इजी से में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो हम जो है जम्पर मार के देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों आप लोगों के लिए। और दोस्तों एलईडी बल्ब से रिलेटेड कोई भी ऐसा दिक्कत हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्त। देखिए दोस्तों, सोल्डिंग कर दिए हैं दोस्तों, तो अब जो है चेक करना है दोस्तों कि ये एलईडी जल रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों देखिए जल गया है, ठीक है दोस्तों। तो देख लिए दोस्तों, उसके बाद ये समय भी देखिए क्या है दोस्तों। देखिए, और ये समय कुछ नोटिस करने वाला बात है दोस्तों। देखिए आप जैसे इसमें जो है ना, आप खुद देखने में लग जाएगा कि कोई एलईडी ख़राब है। देखिए इसमें भी जो है हल्का सा लग रहा है ना, ये जो है कि लग रहा है ये एलईडी ख़राब है, ये भी लग रहा है दोस्तों ख़राब है, मोड़ देखते हैं, ठीक है। बहुत सारा होता है ख़राब हो जाने के कारण दोस्तों, शॉर्ट कट के देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों, इसमें दो तीन को एलईडी शायद खराब लग रहा है, मगर नहीं। देखिए दोस्तों, एक तो ये एलईडी खराब है, ऊपर से एक ये भी नहीं जल रहा दोस्तों, ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये दो एलईडी जो है खराब है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, तो जब दो एलईडी खराब है दोस्तों तो आराम से आप जम्पर मार के भी आप काम कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है कोई भी एलईडी, ठीक है, ये भी एलईडी अब लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें से खोल के जो है जैसे कोई भी पुराना है वो भी खोल के लगा सकते हैं दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।